देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अलियापुर में बुधवार की दोपहर चुनावी रंजिश के चलते दबंग पिता पुत्रों ने युवक को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत की है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्राम अलियापुर निवासी हरिश्चंद्र ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि बुधवार को अपने दरवाजे पर खड़ा था, तभी गांव के अजय उर्फ कल्लू पुत्र राम अवतार शराब के नशे में धुत होकर वहां पहुंच गया और चुनावी रंजिश को लेकर पीड़ित को गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने पीड़ित को अपने मुंह से काट लिया। तभी मौके पर पहुंचे कल्लू के पिता ने भी पीड़ित पर हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देकर आरोपी पिता पुत्र जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। खबर लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है? हरिश्चंद्र। चोर कैसे लगी? चोर साहब, हमने भैया गाली बकरे थे कल्लू, तो हमने कहा भैया वो गाली मत बकरो, बस कितने में उनने मार लिया हमारे सर में एक जने नहीं था, उनके पिताजी ने मार दिया तीन चार। किस बात को लेके मारपीट हुई? वो दारू के नशे में थे और जय इसी बात पर हाथों थोड़ा थोड़ा प्रधानी को मैं तो उसने हमने वोट वोट नहीं दिए थे उनके पक्ष में, हमने दूसरे पक्ष में दिए। तो मारपीट किसने करी है? जे अजय है कल्लू, अजय कहा था कल्लू नाम है। क्या मारा है? उसने काट खाया है कल्लू ने, उसके पिताजी ने मुझे मार दिए तीन चार। पिता का क्या नाम? राम अवतार। आपका क्या नाम? हरिश्चंद। कहाँ के निवासी हो? अलिया। तो यहाँ पे शिकायती पत्र दिया थाने में? पत्र दिया था सर, हमारे पिताजी सुनवाई थी। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।